नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एयर स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के सवाल उठाने के बाद कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। कांग्रेस की यह बौखलाहट आज साफ साफ दिखाई दी जब पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने मीडिया वालों से धक्का मुक्की की। मीडिया का कैमरा जबरन हटा दिया, दिग्विजय सिंह को मीडिया से बात नहीं करने दिया गया। दिग्विजय सिंह अपने कल के बयान पर सफाई देना चाहते थे लेकिन जयराम रमेश ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। क्या कुछ हुआ आप खुद देखिए। आप जरा इस तस्वीर को एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखिए। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी लगातार भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रही हैं। जिस जिस प्रदेश में ये यात्रा चल रही है वहां वहां विजय लक्ष्मी पहुंच रही हैं, इंडिया टीवी पहुंच रहा है, लेकिन अचानक से एकाएक ऐसी क्या बौखलाहट है, ऐसी क्या नाराजगी है? बयान दिया तो सफाई देना चाहिए था लेकिन जयराम रमेश ने बात नहीं करने दिया। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पार्टी ने किनारा कर लिया पर क्या कायम है आप अपने बयान पर? स्टेटमेंट हाउ इट कैन बी नो द कमेंट्स मेड आर द कमेंट्स बाय द ऑपोजिशन आई हैव गॉट द ग्रेटेस्ट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर द आवर डिफेंस फोर्सेस एंड आई होल्ड देम इन हाईएस्ट एस्टीम। But sir, NIS already presented a charge sheet in this regard. That is a bulky charge sheet that says the 19 people were in that charge sheet, including Masood Azhar, handiwork of Pakistan. Enough. Sir, but sir, please allow us to walk. Now, Jairam Ramesh said, please allow us to walk. So, there is no one stopping them. The Bharat Jodo Yatra is continuing, it's going on. एक सवाल था, उस सवाल का जवाब विजय लक्ष्मी चाहती थी, इंडिया टीवी चाहता था और हमारे देश की जनता भी चाहती थी कि दिग्विजय सिंह के कहने का आशय क्या था। दिग्विजय सिंह वहीं पर मौजूद है, मुस्कुरा भी रहे पूरी घटना पर, लेकिन जयराम रमेश कितने खफा हैं जरा वो इन तस्वीरों में देखिए एक बार फिर से। जरा वीडियो प्ले करें। पार्टी ने किनारा कर लिया पर क्या कायम है आप अपने बयान पर? स्टेटमेंट हाउ इट कैन बी नो द कमेंट्स मेड आर द कमेंट्स बाय द ऑपोजिशन आई हैव गॉट द ग्रेटेस्ट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर द आवर डिफेंस फोर्सेस एंड आई होल्ड देम इन हाईएस्ट एस्टीम। But NIS already presented a charge sheet in this regard. That is a bulky charge sheet that says the 19 people were in that charge sheet, including Masood Azhar, handiwork of Pakistan. Please allow us to walk. जयराम रमेश ने पहले दिग्विजय सिंह को मीडिया से बात करने से रोका, मीडिया वालों का कैमरा जबरन हटाया और उसके बाद जब मीडिया वालों ने जयराम रमेश से सवाल पूछा तो उन पर अपना गुस्सा उतारा और पीएम मोदी से सवाल पूछने को कहा। सुनिए जयराम रमेश किस अंदाज में मीडिया से बात कर रहे हैं। प्लीज अलाउ अस टू वॉक नाउ। अभी अभी रहने दो, अभी फिर बात होगी, बाद में बात होगी, बाद में बात होगी। प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछिए। अरे यार 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। अभी 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 प्रधानमंत्री अभी 10 मिनट के बाद 10 मिनट अभी जरा मूवमेंट होने दो। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से जवाब लीजिए। अब सवाल सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय सिंह ने उठाया, सफाई दिग्विजय सिंह को देनी थी लेकिन जयराम रमेश बीच में आ गए। उन्होंने ये कहा कि आप हमें अलाउ अस टू वॉक, आप हमें इस यात्रा में आगे बढ़ने दीजिए और उसके बाद वो कितने नाराज थे, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री से पूछिए। अब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बयान दिग्विजय सिंह का, तो सफाई भी दिग्विजय सिंह को देनी थी। आप एक बार फिर से सुनिए जयराम रमेश को।
रुकना चाहिए। अरे यार 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, भारत जोड़ो यात्रा है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, अभी 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 प्रधानमंत्री, अभी 10 मिनट के बाद, 10 मिनट अभी जरा मूवमेंट होने दो। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया टीवी पर जयराम रमेश ने सफाई भी दी। कांग्रेस ने कल ही अपना रुख साफ किया। जयराम रमेश का गुस्सा जब कम हुआ तो उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इंडिया टीवी से बातचीत में जयराम रमेश ने कहा कि एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस कल ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। कांग्रेस का इस मुद्दे पर जो स्टैंड है वो कल ही साफ हो चुका है। सर आपसे पहले भी बात करने की कोशिश की, सर कल के बयान को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी। आप मिलिए सर, हालांकि आपने एक स्पष्टीकरण जरूर दिया, लेकिन आपको लगता है इस तरह के बयानबाजी जो है? दिग्विजय सिंह जी के बयान पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मैंने कल स्पष्ट भाषा में, सरल भाषा में, अंग्रेजी और हिंदी में। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कल शाम को ही 6:30 बजे मैंने ट्विटर के द्वारा डाला था, उसके ऊपर मैं और कुछ नहीं कहूँगा। जो कहना है कांग्रेस पार्टी को, जो कहना है मुझे, मैंने कह दिया है हिंदी में, अंग्रेजी में। सर अननेसेसरी कमेंट से आपको लगता है नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अभी 5 दिन बाकी हैं। आज 130वां दिन है और राहुल जी का संदेशा, उनका पैगाम आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हमारे देश में गूंज रही है। चलिए बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं कि राहुल जी का मैसेज जो है वो भारत जोड़ो यात्रा आगे लेकर जा रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने कहा जयराम रमेश से बात करिए और जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर चुकी है। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी जम्मू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।